everyone. Today we start the new chapter basic electricity. Basic electricity आज नया chapter हम चालू कर रहे हैं, लेकिन basic electricity को समझने के लिए हमें थोड़ा back में जाना पड़ेगा. Matter जो हमने 8, 9, 10 में पढ़ा है. Matter, what is matter? Matter is a simple one sentence में अगर बोलना चाहे तो matter क्या है? A composition of atoms and molecules. अलग अलग element का बन सकता है वो. जैसे एग्जांपल है, टेबल है, चेयर है, कुशन्स है, क्लॉथ्स है, मेटल्स है, कुछ भी चीज वो हो सकती है. मतलब सो मेनी एटम्स कम टुगेदर, हाँ, तो उससे क्या बनती है? मैटर बनता है, पदार्थ जिसको बोलते हैं हम. तो जो मैटर है, मैटर किससे कंपोज होता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन की जाती है अ फ्लो ऑफ एटम्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक करंट. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखने के लिए हमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल देखना पड़ेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड एज द करंट समझ पाएंगे. तो चालू करते हैं. व्हाट इज मैटर? मैटर, मैटर क्या है? अ कंपोजिशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल व्हिच कैन ऑक्युपाय स्पेस एंड हैव अ मास. पदार्थ किस चीज के लिए, किस चीज को बोल सकते हैं जो क्या करती है? एक स्पेस ऑक्युपाय करती है, एक स्पेस ऑक्युपाय करती है. ये पेन है, यहाँ पे रखा, तो क्या है ये? इसने एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्युपाई की है. देन उसको एक खुद का वेट होता है, खुद का मास है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? मैटर. मैटर के स्टेट भी हो सकते हैं, लेकिन वी डू नॉट गो थ्रू इट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. वी ओनली मीन व्हाट इज मैटर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर. तो हम पहले देखेंगे एटम. व्हाट इज एटम? एटम, एटम इज अ स्मॉलेस्ट टाइनी अनब्रेकेबल पार्ट. एटम क्या होता है? सबसे छोटा, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट. अभी देखें क्या हो, ठीक है, एक चौक, चौक के पार्टिकल 1, 2, 3, 4, 5 हम उसको काटते जा रहे, काटते जा रहे, वो क्या हो रहे, कम 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 होते जाएंगे. देन एक पर्टिकुलर स्टेज ये आएंगी कि वो अनडिविजिबल, उसके बाद वो डिवाइड नहीं होगा. ये जो चौक है उसके बाद वो चौक डिवाइड नहीं होगा, उसे कहा जाता है एटम. इट्स अ ग्रीक वर्ड, उसका मीनिंग ही वही है कि उससे छोटा कुछ भी नहीं, उससे छोटा कुछ भी नहीं, दैट इज कॉल्ड एज द एटम. अभी मॉलिक्यूल भी देख लेंगे. एटम अगर सबसे छोटा है तो मॉलिक्यूल क्या है? एटम अगर सबसे छोटा पार्ट है तो मॉलिक्यूल क्या है? कि दो या तीन या सो मेनी एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के कंपोज होकर जो चीज तैयार होती है उसको क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल बोला जाता है. जैसे अभी हमने चौक देखा, तो अभी देखेंगे हम H2O, मतलब हाइड्रोजन के टू एटम्स, ऑक्सीजन का वन, मिलके क्या बनता है? पानी. तो दिस इज मॉलिक्यूल, उसको बोला जाएगा मॉलिक्यूल, एंड दिस इज एटम, और टाइनी पार्टिकल. ये टाइनी पार्टिकल है इसका मतलब ये बहुत बड़ा होता है, ऐसा नहीं है, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन इट इज अ कंपोजिशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट. मॉलिक्यूल इज अ कंपोजिशन ऑफ टू और मेनी एलिमेंट, बट एटम इज अ टाइनी पार्टिकल ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट. हर एलिमेंट का एटॉमिक वेट या एटॉमिक ये अलग हो सकता है. तो दिस इज एटम. एटम सबसे छोटा पार्ट होके भी इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री एलिमेंट पार्ट. उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये इस तरीके का होगा. पहले क्या है उसमें? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन इंडिकेटेड, उसका प्लस साइन होता है, उसका चार्ज प्लस होता है. देन इट इंडिकेट लाइक दैट, स्मॉल p एंड प्लस साइन. न्यूट्रॉन चार्जलेस, उसका पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी साइन नहीं होगा, ठीक है, न्यूट्रॉन का, हेंस इट इज चार्जलेस. देन इलेक्ट्रॉन, इट हैव अ नेगेटिव साइन, इट हैव अ नेगेटिव साइन, स्मॉल e. देन इसका स्ट्रक्चर भी कैसे किए जाते हैं? तो इन न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं न्यूक्लियस. This is a nucleus and this is a orbit. तो nucleus compose होता है. Nucleus किससे compose होता है? Proton and neutrons. किससे compose होगा? Nucleus.
क्या होंगे, ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड देन एट इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे टोटल ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, टोटल ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। ये हमने लिया है एटम किसका, बेरिलियम का, उसका एटॉमिक नंबर है 07 समझ लो, ठीक है। दिस इज अ हाइड्रोजन एटम, उसका है 1। तो इसको अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 7 चाहिए। तो 7 लेना इजी है या एक देना इजी है, एक डोनर डोनेट करना इजी है। तो बेरिलियम क्या 9 अगर एटॉमिक ये है नंबर है तो 7 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन आउटर ऑर्बिट। तो ये एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है बेरिलियम में और वो अपना ऑक्टल पोजीशन कंप्लीट करता है। तो ये जो मूवमेंट है ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ये जो मूवमेंट है ये कंटिन्यूअसली रन करती रहती है। इसीलिए जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनर एंड गेनर की जो साइकिल है, इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू।